अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान रज़ा है और आप ज़ीशान रज़ा ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो मुल्क भर में जश्न ईद उल मिलाद नबी को मनाने के लिए तैयारियां जो हैं वो अरूज पर हैं और अकायद दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया जा रहा है। मिशल बरदार जलूस में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पे आशिकाने मुस्तफ़ा को आप देख सकते हैं, सबने मिशलें उठा रखी हैं और जो हाथों में जो है वो मिशल उठाकर जो इख्तितामी मंजिल है उसकी तरफ ये जलूस जो है वो रवा दवा है। हमारे साथ आशिकाने मुस्तफ़ा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप हर साल जो है वो जलूस निकाल रहे हैं, कितने साल से मिशल बरदार जलूस निकाल रहे हैं? तकरीबन 1996 से हमारा अंजुमन सरफ़ोश इस्लाम में जुलूस निकल रहा है, दिन रबी अव्वल का रात मशबदा जुलूस का। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम जश्न मनाते हैं और जद ही चंद नज़र आता है और दिन पर रात हम मेहनत करते हैं और ये सारे आशिकीन जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और ये दीवाने और मस्ताने इसमें मैदान में अमल करते हैं और लंगर न्याज जो है हम लंगर तकसीम करते हैं और यह अंजुमन सरफ़ोश इस्लाम का जब तक हमारी ज़िंदगी है ये भी चलेगा, हमारे बाद हमारी औलाद हमारी नस्ल भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुण गाएगी। जी, हमारे साथ आशिकाने मुस्तफ़ा मौजूद हैं और ये कहते हैं जी कि कई सालों से हम ये मिशल बरदार जलूस जो है वो जारी रखे हुए हैं और आकाए दो जहाँ से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं, हर साल जलूस जो है वो निकालते हैं और वसी पैमाने पे लंगरों न्यास का भी अहतमाम जो है वो किया जाता है। इस वक्त जो है वो शहर के हर शहर के की गलियाँ बाजार मोहल्ले जो हैं उन्हें बरकी कुमकुमों से और सजावटी सामान से सजा दिया गया है, हाथों में मिशल उठा रखी है और मिशल बरदार जलूस जो है वो निकाले जा रहे हैं और बच्चे बड़े सभी इस वक्त जो हैं वो जलूस के हमरा हैं और अपने आकाए दो जहाँ से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का जो इजहार है वो किया जा रहा है और इसी तरह मुल्क भर में जो है वो तमाम सरकारी सतह पे अगर बात करें तो सरकारी सतह पर भी जो है वो तमाम सरकारी इमारतों को जो है वो सजाया गया है और जो जलूसों का जो सिलसिला है वो इसी तरह से रात गए तक जो है वो जारी रहेगा और कल 12 रबी अव्वल को भी जो है वो क्योंकि कल जो है वो आका की आमद का दिन है और भरपूर जो है वो तरीके से मनाने के लिए जो तैयारियां हैं वो इस वक्त जो है वो जारी। हमारे साथ एक और जो है वो इस वक्त मौजूद हैं आशिकाने मुस्तफ़ा, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप क्या कहते हैं? आज का ये अजीम शान दिन मोहब्बत यगानगत और बाहमी रवादारी का दिन है। आज के दिन आका अली सलातु वसलाम की ये वो अजीम शब है कि जब अल्लाह ताला ने अपना ख़ास इनाम इस ज़मीन के ऊपर नाजिल फरमाया, अपनी एक ख़ास नेमत हमारे दरमियान दुनिया में उतारी और आज अल्लाह ताला से इल्तजा करते हुए मांगने की रात है। आज अल्लाह ताला ने हर माँ को औलाद नरीना अता फरमाई थी और आज के दिन गुनाहगारों के लिए खुशियाँ मनाने का दिन है कि हमारे आका अली सलातु वसलाम हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। आज के दिन ये अजीम खुशियाँ मनाने का दिन है और अंजुमन सरफरोश इस्लाम यही पैगाम अमल लेके मैदान अमल के अंदर है कि लोगों आओ, आज की इस विलादत के दिन, आज की इस मोहब्बत के दिन, आका की आमद की खुशी में सब तफरके वाजी को ख़त्म करके, फिरका वारियत को जड़ से ख़त्म करके आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक और मिली यगानगत का पैगाम दें। जी, सरकार की आमद मरहबा और इसी तरह जो है वो रात गए तक जो है वो जुलूसों का सिलसिला जारी रहेगा। मिशल बरदार ये जुलूस कई सालों से जो है वो निकाला जा रहा है और मैं चाहता था मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से आशिकाने मुस्तफ़ा जो है वो किस तरह अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार जो है वो करते हैं हर साल। और अगर हम बात करें आशिकाने मुस्तफ़ा की जानिब से जंग में, अगर जंग की मैं बात करूँ तो इस वक्त जो है वो बाज़ारों में जो है वो खाना काबा और मदीना मुनव्वरा की जो छवि हैं वो तैयार की गई हैं और आशिकाने मुस्तफ़ा की जानिब से जो है वो गलियों और बाजारों को जो है वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो है वो सजाया गया है और आशिकाने मुस्तफ़ा की जानिब से इस वक्त जो लंगरों न्यास का जो है वो तमाम जुलूसों के रास्तों में जो अहतमाम है वो ख़ासतौर पर जो है वो किया गया। इसी तरह हम अपनी ट्रांसमिशन जो है वो जारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।